ठंड बहुत बढ़ गई है और आप इतनी सर्दी में भी कविता सुनने के लिए बैठे हैं, जब तक आप जैसे लोग हैं हिंदी कविता के पास, हिंदी कविता नहीं मर सकती। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। भाई वाह। लोगों ने कहा कि इस बार ठंड बहुत पड़ी भारत में, तो मैंने कहा भाई इस बार ये बताओ कि सबसे ज्यादा ठंड भारत में कहाँ पड़ती है। बोले कश्मीर में। तो मैंने कहा तेरी बात में तेरा उत्तर है। पहले कश्मीर भारत के साथ 50% था तो ठंड 50% थी, अब 100% है तो 100% ठंड है। ठीक बात है। मेरी बात आप तक कल तक पहुंचेगी, मैं क्या बोलकर गया था, पहुंची क्या? तो तालियां आप कमजोर बजा रहे हैं। ठीक है, आप पांडव हैं, इसका मतलब कई बार चेतन जी मैं सुन रहा हूँ आपकी तालियों से ज्यादा आवाज तेज तो कुत्तों भौंकने की है, तो वो ध्यान आ रही है, तो कम से कम इतना तो करो कि उनकी आवाज दबे। बहुत कठिन है मामला। सुमन जी ने बहुत अच्छे गीत सुनाए, उनको भी नमन करता हूँ। मेरे पास भी 5-7 मिनट का समय है, उसी में मुझे अपनी बात करनी है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। 84 लाख योनियों में भटके थे तब मनुष्य बने, भाग्यशाली। और भाग्यशाली हो भारत में पैदा हुए। अच्छा, कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़ी था, चीन में भी पैदा हो सकते थे। ठीक बात। ये तो आपका भाग्य अच्छा भारत में पैदा हुए, क्योंकि दुनिया में कोई देश में मां नहीं है। कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? कभी सुना क्या पाकिस्तान अंकल की जय? संभव नहीं है। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय। भाग्यशाली है भारत में पैदा हुए हैं, और भाग्यशाली है उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, ये भी आपका भाग्य। राम यहाँ, कृष्ण यहाँ, शिव यहाँ, सब कुछ तो आपके पास ही है। आप भाग्यशाली हैं यूपी में पैदा हुए, और भाग्यशाली हैं काशी में पैदा हुए, ये भी आपका भाग्य है। और आज गंगा के तट पर, पीछे भी नीलकंठ आगे भी नीलकंठ, आप काव्य पाठ सुन रहे हैं, ये भी आपका भाग्य है। वाह भाई वाह, वाह। और इस ये जगह, और इस बड़े समारोह में राजेश चेतन जैसे महान कवि को आप सुन रहे हैं। क्या कोई डाउट है क्या आप लोगों को? मुझे तो घनश्याम अग्रवाल की 2 पंक्तियां याद आ गई, देखना आप इसमें कहां हो। ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात ही जलते हैं। वाह वाह वाह। आप अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस अब ये 5-7 कवि रह गए हैं, इनको भी सुन लो। 5-7 नहीं, 2 ही बचे। 2 ही बचे। मंत्री जी की हिम्मत को मैं दाद देता, इतने कवियों को सुनना कोई आसान काम नहीं। आप सच में नीलकंठ हैं। जी ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे। समय कम है, एक कविता मैं आप लोगों को सुना देता हूं, और आप घड़ी मत देखिए, बस मैं जल्दी जा रहा हूं शहादत की तरफ, चिंता मत कीजिए। ये भी पर्यटन विभाग के हो सकता है, आपके बाद इनका नंबर। हाँ। पहले प्रधानमंत्री वो थे जो बेचारे बोलते नहीं थे, दूसरे ये भाई साहब आए चुप्पी नहीं होते। दिल की बात, मन की बात, फेफड़े की बात, गुर्दे की बात, टेलीविजन की बात, रेडियो की बात, सारा दिन बोलते ही रहते। अच्छा, मैंने विचार किया कि इतना क्यों बोलते हैं, तो ध्यान में आया जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना, उसको मन की बात रेडियो पर ही करने पड़े। मैं कविता आप लोगों को सुनाता हूँ, मोदी जी के मन की बात रेडियो पर आती है, तो आज नए जमाने में देशभक्ति कैसे कैसे हो सकती है, मैंने कुछ प्रयोग किए। हाँ भैया, स्वागत है, अच्छी कविता है, अच्छी कविता। आप सबका ध्यान चाहता हूँ, अभी आपने देखा अमेरिका में प्रोग्राम हुआ हाउडी मोदी, अब नमस्ते ट्रंप हो रहा है। इसके पीछे आपको कारण नहीं पता, कारण क्या है? मैं भी अमेरिका में था, हालांकि मुझे मोदी जी के साथ जाना था, पर सरकार ने विचार किया, एक तो समझदार आदमी देश में रहना ही चाहिए, दोनों चले गए तो देश कौन चलाएगा? क्या बात, डाउट करते हैं क्या मेरे ऊपर? हाँ भैया, तुम बारी बारी से गए मंत्री जी। मैं जिस होटल में रुका, जोगी साहब मेरे साथ थे, तो
होटल की दीवार पे राधा कृष्ण का चित्र, सच्ची घटना बताता हूं। मैंने पूछा होटल के मालिक से, ये अमेरिका है कि वृंदावन है? बोले राजेश भाई अमेरिका। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे राधा कृष्ण का फोटो कैसे लगा दिया? अरे बोले चेतन जी जहां भी जाओगे ऐसा ही मिलेगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए हैं। बहुत अच्छा, मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। मैंने कहा जब होटल हमने खरीद लिए हैं तो व्हाइट हाउस भी नहीं हो सकता क्या? मैंने सारा गणित लगाया। अमेरिका की कुल आबादी 30 करोड़ है दोस्तों। 30 करोड़ की आबादी में 30 लाख हिंदुस्तानी पहुंच चुके हैं। अब आप मुझे बताओ 4-5 साल के बाद हम लोग कितने हो जाएंगे? कुछ हिसाब लगाया आप लोगों ने? 1-2 करोड़ तो हो ही जाएंगे। और इस योजना में बिहार का योगदान ले लें तो ये काम 2 साल में निपट जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कैसे होगा। अमेरिका में 70% होटल हिंदुस्तान के पास, हिंदुस्तानियों के। 5 लाख डॉक्टर हैं भारत के। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, अमेरिका के लोग अपने डॉक्टर पे कम भरोसा करते हैं और भारत के डॉक्टर पर ज्यादा भरोसा करते हैं। जय हो। कंप्यूटर हमारे, सॉफ्टवेयर हमारे, और नासा जो विश्व का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस नासा में भी 36% वैज्ञानिक अपने भारत के हैं। तब काहे का नासा। वाह वाह वाह। मैंने पंक्तियां लिखी, समय नहीं आज। विश्व जीतने वाला घोड़ा हमने ही तो छोड़ा है। परमाणु से हमने जग को मैत्री युग से जोड़ा। अमेरिका भी हमको अपने घर पर आज बुलाता है। चीन हमारे घर पर आकर समझौता कर जाता है। अपने डॉक्टर वैज्ञानिक तो दुनिया भर में चाहे हैं। कंप्यूटर में हमने जग में कीर्तिमान बनाए हैं। और विश्व जीत कर जिस दिन भारतवासी घर पर आएंगे, अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होगा, गीत खुशी के गाएंगे, उस दिन अपने भारत भू पर नई दिवाली आएगी। उस दिन भारत माता जग में वंदनीय कहलाएगी। मैं उस दिन के इंतजार में दीपक रोज जलाता हूँ। कब आएंगे राम लौट कर घर घर अलग जगाता हूँ। राम लखन तुम, नव भारत के जग को ये बतलाना है और भारत के गौरव का झंडा दुनिया पर लहराना। वाह वाह वाह। भारत के गौरव भाई, वाह वाह वाह, दुनिया पर लहराना। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपसे इतने समर्थन की भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और आप तो सब में पांडव निकले। आप सब एक्सपोर्ट क्वालिटी के लोग। मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ। समय नहीं है, 1.5-2.5 मिनट और ले लो। एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ, जिसका मुझे आदेश दिया है डॉक्टर सुनील जोगी ने। मैं वो कविता आप लोगों को सुनाता हूँ। जी भाई, मैंने कुछ बिंदु कुछ प्रयोग किए हैं, मेरा साथ देना। एक पंक्तियां बोलना, देशभक्ति हो जाती है। बस बाकी सब काम मैं करूंगा। मिलकर कीर्तन करेंगे तो एक नया इतिहास हो जाएगा गंगा के तट पर। मेरा साथ देंगे आप लोग? तैयार हो कीर्तन के लिए? एक बार तालियां बजा दो फिर शुरू कर दें कीर्तन। मंच भी साथ देगा भाई। भिलनी के बेरों को खाओ, देशभक्ति हो जाती है। वाह भाई वाह। भिलनी के बेरों को खाओ, देशभक्ति हो जाती है। और सुदामा गले लगाओ, देशभक्ति हो जाती है। अब मेरा काम 1.5 पंक्ति, मेरी आधी पंक्ति आपकी। 10-10 बच्चे पैदा करना, अब तो प्यारे बंद करो। पहले सुन तो लो, ताली पहले ठोक रहे हो यार। 10-10 बच्चे पैदा करना, अब तो प्यारे बंद करो। छोटा सा परिवार बनाओ, देशभक्ति हो जाती है। वाह भाई वाह। छोटा सा परिवार बनाओ, बढ़िया बात है। देशभक्ति हो जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटी हो या बेटा हो। बहुत सारी बात बेटियों को लेकर हुई। एक अच्छी बात बताना चाहता हूं आप लोगों को। हिंदू समाज की भी प्रॉब्लम थी ये, कहीं पता नहीं किस शास्त्र में लिख दिया कि अंतिम संस्कार बेटा ही कर सकता है। पर आजकल हिंदू समाज बदल रहा है, बेटियों को भी अंतिम संस्कार का अधिकार अपने आप दिया जा रहा है। मैं देख रहा हूं, जब सुषमा स्वराज जी का अंतिम संस्कार उनकी बेटी कर रही थी तो मैंने 4 पंक्तियां कही। सारा जीवन बेटों से जब डरना, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है। 4थी पंक्ति आप सबका समर्थन चाहिएगा। सारा जीवन बेटों से जब डरना है, सत्ता बेटों को ही देकर मरना है। और संस्कार जब बेटी भी कर सकती है तब काहे को बेटे बेटे करना। भाई वाह वाह। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटी हो या बेटा हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटी हो या बेटा हो। बेटी को भी खूब पढ़ाओ। वाह। बोलो भाई, देशभक्ति हो जाती है। बहुत अच्छा, वाह। देशभक्ति हो जाती है। और पानी के भंडार है सीमित, थोड़ा थोड़ा खर्च करो।
रुपए से शुरू कर देना। पानी के भंडार है सीमित, थोड़ा थोड़ा खर्च करो, दो लोटे से अगर नहाओ। कौन बोलेगा? देशभक्ति हो जाती है। पानी के भंडार है, अच्छा है, अच्छा है। थोड़ा थोड़ा खर्च करो, दो लोटे से अगर नहाओ, देशभक्ति हो जाती है। और पॉलोथिन है जहर सरीखा, हमें छोड़ना ही होगा। हाट में यानी के बाजार में, हाट में थैला लेकर जाओ। आवाज नहीं आ रही? देशभक्ति हो जाती है। और अंतिम संस्कार में भैया कब तक पेड़ जलाओगे? पंखे फिराएगी अब तक? अंतिम संस्कार में भैया कब तक पेड़ जलाओगे? शुभ अवसर पर पेड़ लगाओ। वाह, बढ़िया कविता है भाई। देशभक्ति हो जाती है, मैसेज वाली कविता है। उपजाऊ है मिट्टी, अपनी पेस्टिसाइड ना डालेंगे। उपजाऊ है मिट्टी, अपनी पेस्टिसाइड ना डालेंगे। जैविक खेती को अपनाओ। आवाज नहीं आ रही? देशभक्ति हो जाती है। और डीजल और पेट्रोल का धुआं रोज रोज बढ़ता जाता, बिजली वाली कार चलाओ। देशभक्ति हो जाती है। शौचालय निर्माण करेंगे, साफ सफाई रखेंगे। शौचालय निर्माण करेंगे, साफ सफाई रखेंगे। झाड़ू पर, झाड़ू केजरीवाल वाली नहीं भाई साहब, केजरीवाल मेरे गांव का है, भिवानी का। जहां जहां मैंने बताया केजरीवाल मेरे गांव का, लोगों ने मुझे कूटा, मैं बहुत पिटा हूं। तो आजकल मैं बोलता हूं पड़ोस के गांव का है। हमने बहुत अच्छे लोग भी दिए हैं। आपके जो कमिश्नर साहब हैं दीपक अग्रवाल, वो भी मेरे गांव के हैं, ये बताना चाहता हूं आप लोगों को। तब मैं बोलना चाहता हूं, शौचालय निर्माण करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, झाड़ू अपने हाथ उठाओ। देशभक्ति हो जाती है। और रोज रोज चुनाव नहीं अब होंगे अपने भारत में। अगर मैं ये बात उठाता हूं आपको लगे मैं ठीक बोल रहा हूं तो समर्थन करना। रोज रोज चुनाव नहीं अब होंगे अपने भारत में, एक साथ चुनाव कराओ। वाह वाह वाह, देशभक्ति हो जाती है। और आखिरी की दो पंक्तियां, मुझे विदाई देना। जब मैं बैठू तो तालियां बजा के मुझे विदा कर देना, मेरी बात पूरी हो जाएगी। होंगे आप भले विरोधी, अब शाहीन बाग हो या कुछ हो, होंगे आप भले विरोधी पर ये देश हमारा है। होंगे आप भले विरोधी पर ये देश हमारा है। मिलकर सारे देश चलाओ। एक बार भरपूर तालियां बजा दें राजेश चेतन जी की सार्थक कविता के लिए। ऐसी कविता